नमस्कार, मार्केट अपन चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए आज तो काफ़ी प्रेशर भरा रहा, जहां पर इंडेक्स फ्रंट पर मिड कैप इनफैक्ट आज क्रॉस द बोर्ड सेलिंग आप देख सकते हैं, खासतौर से टेलीकॉम को अगर छोड़ दें, वो भी भारतीय एयरटेल की वजह से या इंडस टावर की वजह से, लेकिन पूरे बाकी स्पेस के अंदर इस तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। बीएससी के सभी सेक्टर्स आज प्रेशर में थे। सेकेंड हाफ में बिकवाली बढ़ी, रियल स्टेट स्पेस में 3.5% की बिकवाली के साथ वो बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा ऑटो 2.5% की बिकवाली वहाँ पर देखने को मिली। मेटल, बैंक, FMCG, इवन IT आप या फिर कोई भी सेक्टर देख लीजिए, सब में ही मेजरली बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही थी। और आज जो सीवियर डैमेज आपको दिखाई पड़ेगा, वो डैमेज दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप में। मतलब मैं मान सकता हूँ कि बहुत सारे सवाल अभी आने वाले होंगे मिड कैप स्मॉल कैप के, लेकिन हाँ, आज तेज़ी जो तेज़ बिकवाली थी वो मिड कैप स्मॉल कैप में थी। कई अच्छी कंपनियाँ, कई दिग्गज कंपनियों में इनफैक्ट बिकवाली थी। मिसाल के तौर पर आप 10-10% की फॉल तो आज किसी भी मिड कैप स्टॉक में देख सकते हैं। जुबलेंट इंग्रेविया से शेयर टूटे, दिलीप बिल्डकॉन जैसे शेयर टूटे, इंडिया बुल्स रियल स्टेट जैसे शेयर टूटे, जहाँ पर तेज़ बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। F&O साइड पर भी आज ऊपर के लेवल पर कॉल राइटिंग थी, आपको 17,400 ये जोन थे जहां पर कॉल राइटिंग हो रही थी मेजरली, और वो कॉल राइटर जितने एक्टिव थे उसी का इंपैक्ट था कि मार्केट में एक स्लाइड डाउन आया। 17,400 के जोन्स भी टूटते हुए दिखाई पड़े। हालांकि सेकंड हाफ में थोड़ा सा पुलबैक आया, आप उसे कह सकते हैं कि लास्ट आवर जो शॉर्ट कवरिंग होती है उसके आधार पर 17,400 के ऊपर निफ्टी जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन बिकवाली ब्रॉडर बेस थी, करीब करीब 2% की से ज्यादा की बिकवाली मिड कैप इंडेक्स में थी और 2% से ज्यादा की बिकवाली आपको स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो प्रेशर मार्केट में था, मेजरली जो रीसेंट लिस्टेड कंपनीज थी वहां से प्रेशर एक्सटेंड हुआ। जैसे कि आप अगर नज़र डालेंगे पेटीएम पे, आज फिर 18% के आसपास का फॉल एक समय में देखने को मिला। हालांकि सेकेंड हाफ तक रिबाउंड होके बंद हुआ, करीब करीब 12-13% की रिकवरी वहाँ 12-13% की बिकवाली रही। उसके अलावा आप जो रीसेंट PB फिनटेक, नाइका, जोमैटो, किसी भी IPO को देख लीजिए, सब में आज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो प्रेशर मार्केट में गहराया और वो गहराया सेकेंड हाफ में, थोड़ा था संभला आखिरी के आधे घंटे में, लेकिन फिर भी भारतीय बाजारों में तेज़ बिकवाली के साथ ही प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तेज़ बिकवाली के साथ ही मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। और हफ्ते के ये जो पिछले हफ्ते का कैरी फॉरवर्ड है, आप उसे मान सकते हैं कि पिछले चार सत्रों में ही भारतीय बाजारों में तेज़ बिकवाली आई है। 6% के आसपास इंडेक्स टूट चुका है अपने हाई से, करीब करीब 10-11% के आसपास निफ्टी बैंक टूट चुका है, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी 8% के आसपास ईज आउट हो चुके हैं, और मेटल सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर 14% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी हायर लेवल से हम देख चुके हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बहुत सारे सवाल जो आ रहे हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे। ओके, सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या करें? सिंह साहब, देश की नंबर वन कंपनी है, घबराने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल तो, अगर आपका विज़न लंबी अवधि का है। मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए आप अगर मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं तो रिलायंस आपके लिए सही चुनाव नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बाजार लंबी अवधि के लिहाज से अच्छा रिवॉर्ड करता है उन स्टॉक को जो कि लीडर के साथ रहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है रिलायंस एक लीडर ही है। 3,000 रुपये के आसपास के टारगेट्स आज भी ब्रोकर हाउसेज के यूज़ में आए हैं, तो आपके लिए राय यही कि अगर आप लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं तो बने रहिए, देश की नंबर वन कंपनी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कैन आई बाय इंडिया बुल्स रियल एस्टेट एट दिस लेवल? घोषाल साहब, आप बाय कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ ले सकते हैं, थोड़ा बहुत और नीचे अगर मिल जाए कल झटके में तो आप ले लीजिए। मतलब डिपेंड आपका एपेटाइट कितना है। आउट ऑफ 100 अगर आपका पाई 100 का है तो मान लीजिए आप 25 या बेस्ट केस में 40 को आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, बाकी 60 को आप धीरे धीरे आगे यूज़ कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, और नज़रिया आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म ही यहाँ पर रखना होगा। अच्छा, पेटीएम मिश्रा साहब, अब तो आप बने ही रहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी करेक्शन देख चुका है शेयर, अपने हाई लेवल से काफ़ी टूट चुका है, तो इससे ज़्यादा अब क्या गिरावट की उम्मीद लगाएंगे आप? 1200-1300 रुपये के जोन में आ गया, जो रीसेंट मैक्वेरी की एक रिपोर्ट भी कह रही थी कि 1250 के टारगेट्स आएंगे, और आज ही वो लेवल हमने देख भी लिए, 1280 के आसपास आ भी गया, तो इतना ऑलरेडी फॉल दिखा चुका है, अब इससे ज़्यादा डाउन साइड की गुंजाइश वैसे कम है। तो आप या तो बने रहिए, या अगर आपकी स्थितियाँ अलाउ करती हैं थोड़ा बहुत यहाँ ले सकते हैं मीडियम टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए इनकी सिचुएशंस देख के, नंबर्स आएंगे 27 तारीख को, उसको देखने के बाद यहाँ पर कोई कॉल ली जा सकती है। अच्छा सर जी, आज पोर्टफोलियो लॉस में मज़ा आ गया, बट नो इशू, माय इन्वेस्टमेंट फॉर मिनिमम 4 ईयर्स, प्लीज़ इन्फॉर्म इज दिस टाइम टू इन्वेस्ट अनदर 10 लाख? धनंजय साहब, आप अगर 10 लाख का निवेश करना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस ये रही, कभी भी आप एक शॉट में पैसा मत डालिए, आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए। अपने 10 लाख को आप 10 महीनों में डिवाइड कर दीजिए, आज से लेके
अगले 10 महीने में। अगर आपको लगता है कि आप अगले 10 महीने में और पैसा भी ला सकते हैं तो उस हिसाब से अपना प्रोपोर्शन बांट लीजिए कि अगले 10 महीने आप पैसा लगातार हर महीने डालेंगे। वो हर महीने कोई भी झटका बाजार लेगा, वहाँ पैसा डालिए। हमेशा बाजार में सारे शेयर अट्रैक्टिव दाम पर नहीं होते और हमेशा बाजार में सारे शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर नहीं होते। आज भी गिरते मार्केट में कुछ शेयर अच्छे चल रहे थे, मिसाल तौर पर भारतीय एयरटेल तेज था, आज खरीदारी आते हुए दिखाई पड़े थे इंडस टावर के अंदर जहाँ तेज़ी देखने को मिल रही थी, पावर ग्रिड तेज़ी में था, तो वेदांता में खरीदारी आई। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आज भी चल रहे थे, तो आप उस लिस्ट को आइडेंटिफाई कर लीजिए जिनमें आप पैसा डालना चाहते हैं और उनकी फॉल्स को आइडेंटिफाई करिए। जिस दिन वो फॉल आपको मिल रहा है उस दिन आप उसमें पैसा डालिए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डालिए ताकि आपका एवरेज नीचे की तरफ रहे और तेज़ी में अवॉइड करिए। लिस्ट होगी तो ऑब्वियसली बात है आज एक चल रहा है तो कल दूसरा चलेगा, तो कल जो नहीं चल रहा है उसके साथ रहिए और जो चल रहा है उसको अवॉइड करिए जब तक वो नीचे नहीं आ रहा। ऐसे करके आप सेग्रीगेट करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, शिल्पा मेडिकेयर QIP प्राइस के नीचे आ गया, बाइंग 575 की है। लिंकन पर भी बात नहीं करते, पहले शिल्पा बात कर लेते हैं। मैम शिल्पा के केस में, सॉरी शुभजीत जी, शिल्पा के केस में आप वेट कर लीजिए क्योंकि फार्मा का टेलविंड है बिकवाली का और शिल्पा का भी प्रॉब्लम है QIP का, तो QIP होने के बाद एक झटका और शायद नीचे का लेगा, वो टाइम पर आप इसमें एंटर करें तो शायद ज़्यादा बेटर सिचुएशन पड़ेगी। और लिंकन है कि इसमें अवॉइड करिए। फार्मा में बहुत अच्छे अच्छे नाम है, लूपिन जैसे नाम, औरोबिंदो जैसे नाम इतने नीचे आ चुके हैं, उनको देख लीजिए ज़्यादा बेटर है। आप छोटी कंपनी में क्यों जाना चाह रहे हैं अगर फार्मा में ही जाना चाह रहे हैं तो। अच्छा, GoIPO 130 गुना सब्सक्राइब हुआ है। सिद्धार्थ साहब, आपका अगर सब्सक्रिप्शन का राय जो आपकी आपकी इच्छा है वो यही है कि आपको सिर्फ लिस्टिंग के लिए लेना है तो बात अलग है, लेकिन अगर फंडामेंटल तौर पे लंबी अवधि के लिए लेना है तो बात अलग है। तो आप उस हिसाब से अगर 130 गुना को आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक शेयर को लेने वाले 130 लोग खड़े हैं ऑलरेडी, आप 131वें हो जाएंगे। तो अगर वो 131वें आप होते हैं या 130वें के बाद आप शामिल होते हैं तो आपको कितना अलॉट होता है उस पर डिपेंड करता है। फिर आप अलॉट होंगे, लिस्ट होता है, प्रीमियम मिलता है, कितने शेयरों पे कितना पैसा कमा पाते हैं, सब कुछ बहुत चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो आप वो छोटे से गेन के लिए आप जाना चाह रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन इतनी बढ़िया फॉल में इतने अच्छे अच्छे शेयर नीचे मिल रहे हैं उन्हीं में पैसा डाल दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट अपनी क्रेडिबिलिटी को ओवर पीरियड ऑफ टाइम प्रूफ तो किया उन्होंने, ये तो अब तक आया ही नहीं है बाजार में, तो एटलीस्ट ऐसे सही से निर्णय लीजिए इस तरह के बाजार में, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। HDFC, ICICI बैंक, टाटा पावर, बाय और वेट। लक्ष्मण साहब, ये तो मतलब बिग टू आपकी बात कर रहे हैं बैंक्स में, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एनी डे इज़ अ गुड डे। आप SIP फॉर्म में इसमें लेते रहिए, थोड़ा 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 थोड़ा, कहीं नहीं जा रहे, दे आर टू बिग टू फेल, तो उस कैटेगरी में डाला जाता है। नीचे मिलते रहें, आप थोड़ा थोड़ा लेते रहिए। ब्रोकरेज हाउसेज पॉजिटिव है, ऑब्वियसली बात है, देश के नंबर वन बैंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप और देश का नंबर वन प्राइवेट बैंक ICICI बैंक, तो इन दोनों को आप कैसे स्किप कर सकते हैं। नीचे मिले आराम से ऐड करते रहिए, बढ़िया दाम मिल रहा है, नीचे मिलता जाए थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए, बड़ी क्वांटिटी में नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए ताकि फॉल का आपको पूरा फायदा मिले। अमर राजा बैटरी, ग्लेनमार्क अवॉइड, अमर राजा बैटरी आप ले सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ITC का स्टॉप लॉस, प्रजापत साहब, ITC पिछले 2-1 साल में कहीं गया तो है नहीं, इन्हीं भाव पे घूम रहा है, इनके स्टॉप लॉस आप क्यों लगाना चाह रहे हैं अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो। ITC में आज ही मैं कैलकुलेट कर रहा था, करीब 4.62% के आसपास की डिविडेंड यील्ड बैठ रही है, 4.5% की डिविडेंड यील्ड के साथ 2-3 स्टॉक हैं जो बाजार में अभी काम काज कर रहा है, उसमें से एक ITC है, सेफ बेट है। अगर किसी सिचुएशन में बाजार और टूटता है तो डिविडेंड यील्ड और बढ़ जानी है, तो डिविडेंड तो देगा ही। अगर आप बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये आप डिविडेंड यील्ड के लिहाज से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस की तकनीकी जानकार से पूछिए, वो ज़्यादा बेहतर राय आपको दे पाएंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और सर, ये क्या हो रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ? जाकिर साहब, अगर आप बाज़ार में अभी एंटर कर रहे हैं यानी कि पिछले लॉकडाउन में, तो इनफैक्ट आप नहीं, जितने भी लोग, सब लोग अभी ये लॉकडाउन में एंटर किया है 2020 की तेज़ी में, तो आप सबके लिए ये समझ लीजिए कि अभी शुरुआत भी नहीं है। मार्केट में जब करेक्शन आता है तो डीप करेक्शन आता है, दो तरह के करेक्शन आते हैं, एक आता है वैल्यू वाइज जिसमें बाज़ार तेज़ी से टूटेगा वो इतना बुरा नहीं होता, एक आता है टाइम वाइज जिसमें वो टूटता नहीं है, एक जोन पे खड़ा रहेगा, वो ज़्यादा बुरा होता है क्योंकि आपको पेशेंस निकालता है आपका। तो अच्छा यही है कि जो बाज़ार में करेक्शन आ रहा है आने दीजिए, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ऊपर नीचे मार्केट चलता रहेगा, इसकी चिंता मत करिए। धंधा देखिए, कंपनी देखिए, विज़न देखिए उसका, प्रमोटर देखिए और प्रॉफिट देखिए, सिर्फ प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट इज़ एवरीथिंग। अगर प्रॉफिट डिविडेंड है कंपनी में तो उसके साथ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट डिविडेंड नहीं है तो आज नहीं तो कल कंपनी बस्ट आउट हो जाएगी,
क्योंकि डेट लेके ही काम करेगी और प्रॉफिट है नहीं तो डेट किससे चुकाएगी, तो वो सबसे बड़ा कंसर्न है। इसलिए कोई भी कंपनी प्रॉफिट है और डिविडेंड है, डेट नहीं है या कम है, केपेक्स है, इन चीज़ों को ध्यान रखिए और उसके हिसाब से आप बने रहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि नए बिजनेस आएंगे तो पुराने हट जाएंगे, FMCG वाले FMCG ही रहेंगे, वो 100 साल से FMCG ही हैं, वो 100 साल से ही HUL है, 100 साल से ही नेस्ले है, डाबर है, ये सब उतने सालों से काम कर ही रहे, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। Year 2 के आ गया, नोटबंदी आ गई, कोविड आ गया, वो रहे। सो कितने भी थीम्स चेंज हो जाए, EV आ जाए, डिजिटल थीम आ जाए, कोई भी थीम आ जाए, कुछ कंपनियों का बिजनेस मॉडल रहेगा ही रहेगा, तो आप उनको फॉलो करिए और स्टे विद द सेफेस्ट पीस राइट नाउ। और ये बाजार के करेक्शन में घबराएं नहीं, बिजनेस पे फोकस करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और इतने सारे सवाल आ रहे हैं जो मुझे उम्मीद भी थी। विच कंपनी टू चूज फॉर 1 ईयर? झासा, अगर आप 1 साल के लिए कंपनी में पैसा डालना चाह रहे हैं तो गलत करेंगे, 10 साल के लिए डालेंगे ज़्यादा फायदा रहेगा। 10 साल पहले कुछ एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। 150 रुपये का सिंजीन होता था, 150 रुपये का जुबिलेंट फूड होता था एडजस्टमेंट के बाद, करीब करीब 500 रुपये TCS होता था एडजस्टमेंट के बाद, यूनाइटेड स्पिरिट 250 रुपये होता था एडजस्टमेंट के बाद, तो वो सब दाम आज आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से 10 साल का विज़न रखिए, आप अचीव एक साल में कर लें बात अलग है, लेकिन विज़न एटलीस्ट 10 साल का रखिए और हर फॉल में ऐड करिए। अच्छी कंपनियाँ, अच्छे मुनाफे वाली, बढ़िया डिविडेंड वाली हर फॉल में ऐड करिए, घबराएं नहीं। ओके, बैंक्स में एक साथ 3 सवाल हैं, BOB, आदित्य बिरला सन लाइफ और केनरा। BOB बने रहें, केनरा भी मीडियम टर्म के लिए बने रहें, दोनों में, BOB और केनरा में, और AB सन लाइफ अगर IPO में अलॉटेड है, तेज़ी मिलता है, भाव आ जाता है, 2% ऊपर था भाव आ जाता है तो आप निकल जाए ज़्यादा बेटर है। AMC कारोबार में बहुत अच्छे अच्छे नाम है, उनको आप फोकस कर सकते हैं। BEPL के केस में उत्सव साहब, लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर तो ठीक थे, लेकिन इससे ज़्यादा INEOS प्रेफरेबल है ब्रोकर्स के बीच में, वो भी सेम कारोबार में, तो आप उसको देखिएगा। भंसाली से बेटर आप INEOS को देख लिए, कहीं आपको तेज़ी मिले तो इसमें स्विच करके उसमें चले जा सकते हैं, लेकिन मीडियम टर्म के लिए एटलीस्ट आप अभी तो होल्ड करिए, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है लॉस में होंगे। ओके, एक्यूमुलेट नवीन फ्लोरीन फॉर दिस करेक्शन। अमन साहब, नवीन फ्लोरीन ठीक है, SRF ठीक है, दीपक नाइट्राइट ठीक है, जुबिलेंट इनग्रेविया ठीक है, थोड़ा प्रेशर रहेगा शायद इनग्रेविया में कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये जो लोअर जोन जो हैं ये एक्यूमुलेशन के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। अगर कंपनी ख़राब नहीं है तो लोअर जोन एक्यूमुलेट किए जाते हैं, तो एक्यूमुलेशन ही का इस्तेमाल होगा। और बाकी एक बार को आप लक्ष्मी के नंबर देख लीजिएगा 1 क्वार्टर के, उसके बाद उसमें भी आप एंटर कर सकते हैं। अच्छा जी, कितना टाइम हो गया, लास्ट सवाल और लेता हूँ। शुगर स्टॉक कहीं देखा था, इथेनॉल अप। सलासार साहब, ये कुछ टाइम पहले मेरी बात होती भी थी कि शुगर स्पेस में हमेशा साइक्लिकल कामकाज होता है और ये साइकिल का अपर एंड है, जब इतनी स्टोरियाँ आ रही हैं इथेनॉल को लेके, और वही शायद अब दिखाई पड़ रहा है। तो यूजुअली इसके साइकिल का अगर आप मतलब सिंपली कुछ मत करिए, मेरी बात को तो छोड़ भी दीजिए, धामपुर, रेणुका को छोड़ दिए, धामपुर, बलरामपुर, द्वारकेश, इन 3 कंपनियों के गूगल से चार्ट निकाल के देख लीजिएगा पिछले 20-21 साल के, अपने आप ही आपको समझ में आया कैसे साइकिल में काम करते हैं। हर 5-5 साल में या 2-3 साल में उनकी साइकिल रिवर्स होती हैं, तो ये कुछ उसी तरह का रिवर्सल दिख रहा है। आप एक बार उसको तलाश लीजिए, हो सकता है मैं गलत हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन वो ज़्यादा एक अच्छा बैकग्राउंड आपके लिए तैयार कर देगा शुगर स्पेस को लेकर। तो स्टोरीज आती रहती हैं स्पेस में, क्योंकि साइक्लिकल मूवमेंट है, फसल के हिसाब से, प्राइसेस के हिसाब से, रियलाइजेशन के हिसाब से, आप उसको कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। रेणुका फिर भी वेल पोजिशन है, क्योंकि मल्टी नेशनल प्रमोटर है और नंबर में रिफ्लेक्शन तक हुआ नहीं है, तो एक बार को वो चल सकता है लेकिन समय ले सकता है, इसलिए आप बने रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अब फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा, माफ़ी आज क्योंकि बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे लोगों से माफ़ी जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे और कार्यक्रम का हिस्सा बने। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @SumitResearch मेरा ट्विटर हैंडल है। ध्यान से संभल कर ट्रेड करिए और इस गिरावट में पैनिक में बताइए, ऐसे गिरावट आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे और आएंगे, अभी और भी टूटेगा मार्केट, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी, और ऐसे ही रिकवर भी हो जाएगा। तो आराम से अच्छी कंपनियों के साथ रहें, पैनिक में ना आए, घबराएं नहीं, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। इसी नोट के साथ नमस्कार।